नमस्ते, मैं हूँ रूमा। आप सभी का स्वागत है इजी स्टिचिंग आइडिया में। आज मैं दिखाऊंगी कुर्ती डिजाइन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते ऊपर हैं। देखिए, ये अगर ग्रीन कुर्ती के ऊपर मैं येलो कलर के कपड़े से कुछ डिज़ाइन बनाऊंगी। तो चलिए कैसे इसके गले के ऊपर डिज़ाइन बनाती हूँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इसके लिए मैं बॉक्रम लूँगी और बॉक्रम को फोल्ड करके काट के निकाल लूँगी। तो चलिए पहले गले का चौड़ाई का माप ले लेती हूँ, 4.5 इंच, और गले का डीप रहेगा 2.5 इंच। गले का लेंथ लूँगी 5.5 इंच, और यहाँ पे 2.5 इंच पे एक निशान लगा लेती हूँ। अब इसको जितना लंबाई में मुझे डिज़ाइन बनाना है उसका माप ले लेती हूँ। इसका माप लूँगी मैं 11 इंच, और इसका चौड़ाई का माप मैं लूँगी 4.5 इंच। अभी सभी पॉइंट को जोड़ के एक बॉक्स बना लेती हूँ। तो चलिए अभी डिज़ाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। तो चलिए अभी इसको काट के मैं निकाल लूँगी। देखिए मैं ये शेप बना चुकी हूँ। अभी इसको कपड़े के ऊपर अच्छे से प्रेस करके बैठा लेती हूँ। तरीके से अभी थोड़ा थोड़ा कपड़ा रख के साइड में मैं इसको काट के निकाल लूँगी, फिर इसको फोल्ड करके मैं सिल लूँगी। अभी इसके ऊपर सीधा सीधा दाग लगाऊंगी और उसके ऊपर मैं ये धागे से सिलूंगी। इसको बॉबिन में मैं डाल ले लूँगी, फिर इससे सिलूंगी। तो चलिए मैं कैसे करती हूँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो चलिए बॉबिन में मैं धागा डाल लेती हूँ। देखिए इस तरीके से मैं इसको घुमा के बॉबिन के अंदर डाल चुकी हूँ धागे को। अभी इसको ढीला कर लूँगी थोड़ा सा और यहाँ से निकाल लूँगी और देख लूँगी खींच के स्मूथली ये निकल रहा है या फिर नहीं। एक्स्ट्रा जितना धागा है वो काट के निकाल दूंगी। सलवार का फ्रंट पीस लूंगी और इसका बैक साइड में मैं इसको सिलूंगी ताकि मैं इसको पलट सकूं। तो दोनों का मिडिल निकालने के लिए यहाँ पे एक कट मैं लगाऊंगी और इसके ऊपर भी एक कट मैं लगा लूंगी इसका मिडिल। थोड़ा थोड़ा कपड़ा रख के इसको काट लेती हूँ, फिर इसको पलट लूँगी।
चलिए अभी ये साइड सिल लेती हूँ। देखिए गले का डिज़ाइन सिल के मैं इसको पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। पूरा कुर्ती कंप्लीट करने के बाद इसका फाइनल लुक मैं आप लोगों को दिखा दूँगी।